खबर शामिल करते हैं डंडोलियार से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज के इंतखाब के खिलाफ एहतजाज। पीटीआई के कारकुनान की बड़ी तादाद ने नेशनल प्रेस क्लब डंडोलियार पर एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया। डंडोलियार मुजाहरीन की हमजा शहबाज, चौधरी शुजात और आसफ जरदारी के खिलाफ सख्त नारेबाजी। मुजाहरीन ने कहा कि जो आज हमने हमारे लीडर के कहने पे एहतजाज किया है, जो कि हमारे लीडर की एक आवाज़ पे हमने लब्बैक कहा, ये जो कि आपको पता है पंजाब असेंबली में जो दोस्त मोहम्मद मजारी ने डिप्टी जो है इसने दोस्त मोहम्मद मजारी ने शब्द खून मारा है, जो कि 86 बंदे जो वोट लेके 186 बंदे जो वोट लेके जीतने वाले को तो हरा दिया और 179 वाले को जिता दिया। ये इन बेईमानों की चोरों का ये एक अलमिया है और ये इमरान खान का इनके ऊपर इतनी दहशत है कि ये चाहते हैं कि इमरान खान किसी तरीके से ना आए, इस वजह से इन्होंने ये दो नंबरी की। आज इंशाल्लाह कोर्ट में जो फैसला था और हो चुका है आधा तो, और इंशाल्लाह पीर को हम इनको बता देंगे। हमारी गवर्नमेंट जो हमारा परवेज इलाही जो जीता है, इंशाल्लाह वही वजीर आला बनेगा पंजाब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो डंडोलियार के कारकुनान हैं, जो एहतजाज किया गया है, ये एहतजाज इसलिए किया गया है कि कल जो पंजाब असेंबली में जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है, उस पर यह एहतजाज हमारे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के टाइगर्स हमारे कारकुनान की तरफ से किया गया है। इमरान खान साहब की मोहब्बत पे, इमरान खान साहब जो ये जंग लड़ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की सलामती की, पाकिस्तान की बका की, इस वक्त पूरी की पूरा पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है और हम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को बता देना चाहते हैं कि अब तुम्हारी पाकिस्तान में किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़रूरत है तो पाकिस्तान के जेलों में है, आपको पाकिस्तानी आवाम का पैसा निकालना होगा, बाकी ये आवाम आपको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। डिप्टी स्पीकर ने जमहूरियत का जनाजा निकाला, कानून के अंदर 63B के अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो है पार्लियामानी बोर्ड का जो फैसला है वो अटल है और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो उसने जो वजह बनाई सुप्रीम कोर्ट के जज ने, आज उसको बुलाया और वो भागा, वो आया नहीं। अगर वो सच्चा होता तो आता वहाँ बयान करता। मजारी साहब अगर सच्चे होते तो आज बयान करते अपने कि कौन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो है 10 वोट खारिज करे और पार्लियामानी बोर्ड जो फैसला कर ले उनकी मिनट्स की कापी सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ कानूनी लिखा हुआ है। और आज जज ने कहा है कि ऐसी कौन सा कानून है जिसके तहत कराए, सरासर गलत है। और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है अतर मिनुल्ला और जस्टिस फाजिल ने दोनों ने कहा है कि जो है ना पार्लियामानी बोर्ड जो है वो जो फैसला करेगा वही होगा, पार्टी का हेड जो है जो पार्लियामानी बोर्ड फैसला कर दे उसको कोई नहीं माने तो उसके ऊपर डिक्टेट कर सकता है सिर्फ उसको जिसने पार्लियामानी बोर्ड का फैसला नहीं माना। आज हमारे तसलसल से चलते हुए आ रहे हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, ये कोई नई बात नहीं है। और इमरान खान की जद्दोजहद इंशाल्लाह आखिरी हद तक हम लोग जाएंगे, खान हमें जो भी कॉल देगा इंशाल्लाह हम लब्बैक करेंगे, टंडो आला यार उसको लब्बैक कहेगा। आसफ जरदारी ने सिंध के पैसे चोरी करके पंजाब असम्बली में साजिश का ड्रामा रचाया जो नाकाबिले मुज़म्मत है, इंतहादी हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करे वरना हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मुजाहिरी ने कहा कि हम पुरमन एहतजाज आइन की हुक्मरानी के लिए कर रहे हैं, ज्यादा वोट के बावजूद कम वोट वाले को वज़ीर आज़म करार दिया गया। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटू नोटिस लेकर आज समाप्त के लिए मुकर्रर की है, जबकि आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज ने नोटिस लेकर डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला को तलब किया जो हाजिर ना हो सके,